अस्सलाम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक ठाक है। और मॉर्निंग का टाइम है और आज है सैटरडे और बच्चे घर पर है। और माशाल्लाह बच्चे सुबह सुबह जो है ना वो पढ़ना शुरू कर दिया था उन्होंने, और उनके कुछ डायग्राम रह गई थी वो कर रही है पकीजा। और नूरुल हुदा भी अपने पापा के साथ गई हुई थी और अभी वो आई है और नाश्ता लेके आई है। नाश्ता हमारा आ चुका हुआ है और नाश्ता आज माशाल्लाह है गर्मा गर्म हलवा पूरी। ठीक है, ये देखें तो यहाँ पे नाश्ता डाला जा रहा है, प्लेटें रखी जा रही हैं, अचार हो गया ये साथ, अचार है साथ, ये हलवा है। ठीक है, ये माशाल्लाह मज़ेदार सा नाश्ता हमारा रेडी है। तो अब बच्चे बैठ चले जी, आज सारे बच्चे बच्चे करेंगे नाश्ता यहाँ पे, और बच्चे यहाँ पे नाश्ता करेंगे। ठीक है, और बेटी जो है ना वो नाश्ता निकाल रही है, जल्दी जल्दी से निकालो गर्मा गर्म। ठीक है, हैंड वॉश किया आप इतने, हुआ तो आप धो के गए थे ना। हाँ, और वो बता रही है आके कि मामा शॉप है ना, हलवापुरी की शॉप है ना, बहुत ज़्यादा रश था और बड़ी मुश्किल से जो है ना ये हम लेके आए हैं। और ये काफ़ी देर से गए हुए थे बाप बेटी ना नाश्ता लेने के लिए, और अब भी आए हैं। तो चले हम करते हैं नाश्ता। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, और माशाल्लाह हमारे मुर्गा मुर्गी जो है ना वो बाहर खेल रहे हैं। ठीक है, उनको हम सुबह के टाइम छोड़ देते हैं, अभी उनको खाना देना है। ठीक है, हल्का फुल्का उनको सुबह के टाइम दे दिया था और अभी दोबारा उनको देंगे, तो वो भी माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं। हम यहाँ पे खाना खाते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। ठीक है, और बेल के बटन को भी दबा दिया करें ताकि मेरी तमाम नोटिफिकेशन मेरी वीडियो के आपको मिलते रहें। तो मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। ये टाइटल पेज बनाने के तो लिए ये देखिए, ये बना रही है सुबह से, ये वाला इसने बनाया है और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, और करंट लगा साइंस का इस बेचारे को करंट लगा हुआ है। ठीक है, और क्या बनाया था, और भी आप बना रही थी ना कुछ है? ये देखें इस तरह की चीज़ें, तो ये साइंस के प्रोजेक्ट है, डायग्राम वगैरह है, तो ये बनाती और है, ये भी है, और इसको ना माशाल्लाह गुड स्टार भी मिलता रहता है। ये देखें, और ये देखें इसको गुड मिला हुआ है। ये देखें बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, ये काम कर रही है अपना, माशाल्लाह बेटा बहुत अच्छी बात है, ऐसे पढ़ा करो। ठीक है, एग्जाम होने वाले हैं और अच्छी से तैयारी करो भी। तो ये देखिए मम्मा यहाँ बैठी, मम्मा क्या कर रही हो आप? बस बैठी हुई, तबीयत कुछ खराब सी हो रही है, ऐसी है, चुप करके बैठी हुई हूँ। अम्मा ये खा रही है ना, अम्मा जी अभी खा नहीं रही हूँ, अभी सिर्फ रख रही हूँ, अब दिल नहीं कर रहा खाने का। और यहाँ पे आलू बैंगन कट रहे हैं, क्योंकि मम्मा की फरमाइश है, मम्मा का दिल करता है आलू बैंगन खाने का ना अम्मा जी। हाँ, आज आलू बैंगन का बनाते हैं। कल हमारे हमसाए में ना आलू बैंगन के पकने की ना खुशबू आ रही थी रात को, तो मैंने सोचा कि मैं क्या कल हम भी ना आलू बैंगन बनाएंगे। तो आलू बैंगन चावलों के साथ भी अच्छे लगते हैं, चावल भी पड़े हैं मेरे वैसे तो, है ना, और रोटी भी कल जो बने थे मसर चावल, वो फिर मेरे हिस्से के पड़े हैं ना चावल। हाँ। मैंने कल मसर चावल नहीं खाए थे, बड़े शौक से कल मसर चावल बनाए थे लेकिन मैंने नहीं खाए। मैंने आपको बोला था ना मुझे मसर चावल नहीं पसंद, तो मैंने खाए भी नहीं फिर। तो आज बैंगन के साथ ना चावल हैं, तो बैंगन डाल के चावल खाऊंगी इंशाल्लाह, बड़ा मजा आएगा। साथ वो पराठा? नहीं पराठा नहीं, नहीं चावल, चावल है ना बस, वो मेरे हिस्से के पड़े हैं, मैं खा लूंगी। ठीक है, ठीक है, ये फेस को प्यार आ रहा है बड़ा है। हाँ, ये मेरी बड़ी अच्छी बेटी है, मम्मा मुझे प्यार करती है तो मैं प्यार करती हूं। हां, ये मेरी मेरी बेटी के बाल माशाल्लाह लंबे हो रहे हैं, और ईद तक तो कैंची काट देनी है, ईद तक तो माशाल्लाह और लंबे हो जाएंगे, तो फिर गर्मी आ रही है, नहीं तो फिर कटेंगे। तो गर्मी में फिर पता ना पसीने से जुएं पड़ जाती हैं, हम ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं ना, ना नुर्दा, फिर मैं थोड़े थोड़े से ना इसके बाल काट फिर नुर्दा दोबारा यहाँ आया तो खोजेंगे तुम्हारे बाल यहाँ। हाँ जी, क्यों कहाँ तक देखो ना बाल माशाल्लाह, आपने देखा अगर अभी क्या कह रही, कहाँ तक करवाने हैं माशाल्लाह, आशा के बालों की ग्रोथ अच्छी है। हाँ, कह रही आया तक आप उधर लगे साल, साल लग गए नहीं अभी छोटे ना, जब आप ये तरह बड़े हो जाओगे ना। हाँ, मेरी तरह लंबे करूंगी, अभी छोटे हो तो इसलिए ना थोड़े थोड़े से ना इतने इतने फिर ना जुए पड़ जाती है, गर्मी में इतना पसीना आता है। अब मेरे बाल जब मैं इतने रहे ना तो आप मेरे इतने बाल कटवाए। हाँ, फिर से बाल लेने मुश्किल, साल लग जाएंगे साल, बीबी साल लग जाएंगे तेरे तेरे बाल होने में। अब शौकिया मार रही है अम्मा, ये पीछे पीछे मुझे घूमना है, इनको चक्कर आ जाएंगे, नहीं कर चल खड़ी होना जाने शुरू। नाना करते करते मैं दो पीस खा रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, आजकल ना मैं डाइट कॉन्शियस हुई हूँ। अच्छा बिल भी आ गया है, लो कितना आया बिल? 1600 जितना पिछले दफा आया था हमारा। हाँ, उतना ही आया। चले जी शुक्र है, हमारा बिल आ गया, ये देखिए शुक्र है, 1634 है, ठीक है आ गया बिल। बहुत बड़ा ये बोल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि खाने में मैंने
आलू बैंगन आज पकने थे, तो आलू बैंगन तो मैंने बना के ना रख दिए, तो चावल पड़े हुए थे दोपहर में, कल वाले जो बनाए थे वो पड़े हुए थे, तो वो फिर बच गए थे, मैंने खाए नहीं, तो वो आज वो मैंने ना बैंगन के साथ खाया, तो बैंगन सिर्फ मैंने खाए हैं और बाकी सब ने मसर के साथ रोटी खाई है, क्योंकि वो कल मैंने बताया था ना कि दाल चावल बनाए थे तो मसर बनाए थे, तो मसर का सालन वैसे का वैसे ही मसरों का पड़ा हुआ था, तो फिर बैंगन भी मैंने ताजी हांडी भी बना के रखनी, वो सुबह में काम आ जाएगी, तो बच्चों ने शाम में मसरों के मसर और साथ रोटी चपाती बनाई थी वो खाई, और मैंने खाए बैंगन और चावल। तो आज माशाल्लाह माशाल्लाह आज इबादत की रात है, तो मेरे सब बहनों से दरख्वास्त है कि वो जो है ना अपनी से बहन को भी दुआओं में याद रखें, और अपने पाकिस्तान के लिए हम दुआ करें, पाकिस्तान के ऊपर जो एक अल्लाह की तरफ से एक तो महंगाई है, एक तो हमारी हुकूमत बहुत क्राइसिस में जा रही है, अवाम बहुत परेशान है, और अल्लाह ताला बस हमें हर तरह की मुश्किलात और आफात से बचाए, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तरक्की दे, हमें बहुत ज़्यादा दुआगो होना है अपने मुल्क के लिए, खुद के लिए, क्योंकि आज के दौर में एक आम आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया है। तो मैं कहती हूँ कि बस अल्लाह ही हाफज है हमारा, और हमें अल्लाह ताला से गिरगिरा कर इसलिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी हालतों पर रहम फरमाए और हमारे हालात पाकिस्तान के और पाकिस्तान की आवाम के हालात बेहतर हो जाए। तो बच्चों को मैं अब बोल रही थी कि जो है ना टीवी बंद कर दें, तो अब बच्चियां जो है ना नहा धो लिया था बच्चियों ने और साफ सुथरे कपड़े भी पहन लिए। हाँ जी बेटा सलाम ले लिया आप भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, तो बच्चियां जो उन्होंने कपड़े बदल लिए हैं और अब मैं भी वजू करूँगी, वजू करके तो फिर इंशाल्लाह बात करेंगे, क्योंकि आज इबादत की रात है, कबूलियत की रात है, तो अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और सबके लिए आसानियां पैदा करे। तो इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, और बैंगन का क्लिप भी आपके साथ शेयर करूँगी जो आज बनाए हैं, हांडी जो आज बनाई है। तो दुआ करती हूँ सबके लिए, दुआओं में बहुत ज़्यादा अपनी बहन को याद रखें, मिलेंगे इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को दबा दें, ठीक है, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो इंशाल्लाह ताला ये वीडियो कल तक अपलोड हो जाएगी, क्योंकि कल दिन है और आज की रात है, तो इंशाल्लाह ये वीडियो कल तक आप तक पहुँच जाएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।